छत्तीसगढ़ में सीएफ के 5853 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024। यहाँ आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 2024 की सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है सीएफ भर्ती परीक्षा। योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आयु सीमा कितना होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कम्प्लीट बुक लिस्ट के बाद सैलरी भी आपको बताऊंगा कि कितना सैलरी आप सभी को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है 5853 पोस्ट 5853 पदों पर आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है सीएफ भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट है जो पुलिस विभाग में जॉब करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी युवाओं के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है, उन सभी युवाओं के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण भर्ती है, उन सभी युवाओं के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो है आप सभी के लिए 2024 में निकल के आ रहे हैं। और ये काफी इम्पोर्टेंट भर्तियां हैं, काफी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। तो अगर हम बात करें योग्यता की, तो सबसे पहले अगर आप सीएफ के 5853 पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास आउट हो चुके हैं तो आप जो है अवश्य रूप से फिर सी एफ के 5853 पोस्ट के लिए आप डेफिनेटली आवेदन कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें आयु सीमा के, तो कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी आपको छूट देखने को मिलेगा, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 3 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। अगर हम बात करें सीएफ के 5853 पोस्ट के, तो सीएफ भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करोगे, एग्जाम्स के प्रिपरेशन अगर आप बहुत अच्छे से करोगे, तो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आप जो है सीएफ बन सकते हैं। और सीएफ भर्ती परीक्षा में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होता है वो होता है आपका जो है फिजिकल। तो जितना ज़्यादा हो सके सीएफ भर्ती परीक्षा में आपको फिजिकल में नंबर लाना है, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है फिजिकल में लाना है। जी हाँ, तो जितने ज़्यादा आपके फिजिकल में अच्छे से मार्क्स आएंगे, जितना ज़्यादा आपके फिजिकल में जो है नंबर अच्छे से आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि सीएफ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। जब तक आपके फिजिकल में ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, जब तक आपके फिजिकल में ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, तब तक फिर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके फिजिकल में नंबर अच्छे से लाइए, जितना ज़्यादा आपका फिजिकल में अच्छे से मार्क्स आएगा उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा। अगर फिजिकल में अगर आपका नंबर कम होगा तो शायद आपको रिटर्न एग्जाम भी देने नहीं दिया जाएगा। जब तक आपका फिजिकल एग्जाम से अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप जो है लिखित भर्ती परीक्षा एग्जाम्स में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते, लिखित भर्ती परीक्षा में आप बिल्कुल भी एलिजिबल फिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है रनिंग हो, लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, इन सभी चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, देन उतना ही ज़्यादा बेहतर और बेस्ट आप सभी के लिए होने वाले हैं। सैलरी की बात करें हम, तो सी एफ के 5853 पोस्ट में अगर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो है कितना सैलरी जो है आपको स्टार्टिंग में जो है देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका जो सैलरी होगा वो 16,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का आपको सैलरी जो है देखने को मिल पाएगा। और 16,000 रुपये से अगर 18,000 रुपये तक का भी अगर आप सभी को सैलरी मिल जाता है, अगर आप सभी को सैलरी दिए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सैलरी है आप सभी के लिए। तो मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी स्टडी पर जो है ध्यान देना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी प्रिपरेशंस पर ही आपको फोकस करना है। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस करोगे, तो कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हो जो कितना भी ज़्यादा इम्पॉसिबल क्यों ना हो, कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम हो जो कितना भी ज़्यादा इम्पॉसिबल से क्यों ना लगे,
अगर आप डेली वर्क करते रहोगे, डेली मेहनत करते रहोगे, डेली प्रिपरेशंस करते रहोगे, तो वो सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम भी आपको फिर आसान सा लगने लग जाएगा। इसलिए मेहनत पर ध्यान देना, कोशिशों पर ध्यान देना। जितना आपका कोशिश होगा, जितना आपका मेहनत होगा, जितना ज्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतने ही ज्यादा फिर सफलताएं, उतने ही ज्यादा फिर कामयाबियां, देन उतने ही ज्यादा फिर सक्सेस आपको मिल पाएगा। और सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखना। सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि आज मिल जाएगी सफलता या कल मिल जाएगी सफलता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कामयाबी जो होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। जी हाँ, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप परिश्रम करोगे, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे, तो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे, आपके सपने भी पूरे हो पाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप कोशिश नहीं करोगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो फिर किसी भी तरह से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम, फिर किसी भी तरह से आपका जो है भर्ती परीक्षा एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके तैयारी के ऊपर, अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद के ऊपर बिलीव करना। जितना ज्यादा आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होगा, खुद के ऊपर बिलीव होगा, उतने ही ज्यादा फिर आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज्यादा आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम भी क्वालिफाई हो पाएगा और आपको सक्सेस भी मिल सकता है। हमेशा बस मेहनत करना और लोगों की परवाह बिल्कुल मत करना कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस अपने आप के ऊपर भरोसा करना। और छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है सीएफ के 5,853 पोस्ट जो है निकल के आ रहे हैं, और ये 5,853 पोस्ट आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक युवाओं के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हो जाते हैं। तो तैयारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, एक बार अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, एक बार अगर आपने अच्छे से हार्डवर्क कर लिया, तो फिर आपका सेलेक्शन डेफिनेटली निश्चित तौर पर हो पाएगा, आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट अपने आप पर काम करना, खुद के ऊपर काम करना, और आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना होगा। जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, उतने ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपने आप के ऊपर ही भरोसा नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा, खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा, तो फिर आगे कहाँ से बढ़ पाओगे। अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। आई होप वीडियो सबको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएंगे, उतने ही ज्यादा सभी लोगों तक वीडियोस फिर मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक